नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो देखते हैं भैया क्या क्या पावर्स है। तो भैया सबसे पहली पावर है सेक्शन 28 में, पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड। मतलब कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, नगर सर्वेक्षक और पटवारी, ठीक है, ये लोग तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनकी ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल में इनके जो सर्वेंट्स होते हैं, इनके जो वर्कमैन होते हैं, अगर उनको ऐसा बोला जाए कि भैया आप किसी भी जगह पर जाओ और सर्वे करो और बाउंड्रीज बनाओ, ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए तो बोल ये लोग काम करेंगे क्योंकि इनको पावर दी हुई है। लेकिन हाँ, कि जितना डैमेज होना है, मतलब बाउंड्री बनाने में और ये सर्वे करने में, कुछ ना कुछ तो काम उनको करना पड़ेगा ना। हो सकता है कुछ चीज़ें डैमेज भी करनी पड़े या कुछ 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 भी काम करना पड़े, तो जितना ज़रूरी है ना आप उतना ही डैमेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही डैमेज करो, उससे ज़्यादा बिल्कुल आप नहीं कर सकते डैमेज, ठीक है। और जहाँ डैमेज की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर तो बिल्कुल आप करना ही नहीं है, समझ रहे हो आप। भैया बाउंड्रीज बनाने में और जो भी सर्वे करने में जो भी आपको काम करना है वो आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ डैमेज भी करना पड़े तो आप डैमेज कर दो, अगर करना पड़े तो ठीक है कर दो। लेकिन अब प्रोवाइडेड दैट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या बोलता है कि कोई भी एक आदमी के एक ऐसी बिल्डिंग में नहीं जाएगा, एनी बिल्डिंग और अपॉन एनी इनक्लोज्ड कोर्ट गार्डन अटैच्ड टू अ ड्वेलिंग हाउस अनलेस, मतलब कि इन जगहों पर नहीं जाएगा जब तक कि वो जो वहाँ पर जो आदमी रहता है, जो भी उसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, उसको कम से कम 24 आवर्स का नोटिस नहीं दे देता। वो 24 घंटे के नोटिस देने के बाद ही वो उस जगह पर जाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेगा कि यार सोशल और रिलीजियस सेंटीमेंट्स तो हर्ट नहीं हो रहे, उस चीज़ को भी ध्यान रख के ही वो आदमी वहाँ पर जाएगा। लेकिन रिलीजियस सेंटीमेंट ये सब तो चलो, और सोशल सेंटीमेंट ये सब तो चलो ठीक है, वो तो हर एक आदमी का अलग अलग होता है। जो परमानेंट चीज़ है 24 आवर नोटिस वाली बात, ये चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। अब सेक्शन 29 में बात की हुई है पावर टू ट्रांसफ़र केसेस। कैसे, बोर्ड के पास भैया ये पावर होती है कि वो एक रेवेन्यू ऑफिसर का जो केस है ना वो किसी दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को दे दे, सेम रैंक वाला, सेम रैंक वाले रेवेन्यू ऑफिसर का एक केस दूसरे दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर को वो दे सकता है। बोर्ड कमिश्नर भी दे सकता है, लेकिन एक रेवेन्यू ऑफिसर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर जो सेम रैंक के हैं उनके केस को दे सकता है कमिश्नर, लेकिन सेम डिस्ट्रिक्ट में दे सकता है या फिर सेम डिवीजन की किसी भी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि भैया कमिश्नर तो डिवीजन का ही होता है ना। तो ये मान के चलो आप एक डिवीजन में वो जिसको भी चाहे, एक उस जिस डिवीज़न का वो इंचार्ज है ना कमिश्नर, उस डिवीज़न में एक रेवेन्यू ऑफिसर दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर का केस आपस में वो दे सकता है, सेम रैंक वाला, समझ गए ना इतना तो आप। यस, अब सेक्शन 32 बात करता है इनहेरेंट पावर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट। अब भैया रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू कोर्ट जो है ना उसके पास इनहेरेंट पावर भी है। इनहेरेंट पावर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप ये मान के चलो कि जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उसको काम करना पड़े वो काम रेवेन्यू कोर्ट कर सकता है। इनहेरेंट पावर कई सारी जगह पर भी है, 482 अगर हम देखेंगे सीआरपीसी इनहेरेंट पावर्स, ठीक है, इनहेरेंट पावर वो अपना बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है। अपन इसमें अपन फिर कभी बता डिस्कस करेंगे, अगर आप बोलो तो कमेंट वगैरह में लिखते हो तो फिर देखते हैं हम, लेकिन अभी तो इनहेरेंट पावर भी है रेवेन्यू कोर्ट के पास। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की, ये क्या पावर देता है, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू रिसीव एविडेंस। समन की पावर है कुल मिला के, मतलब आदमी को समन भेज सकता है और डॉक्यूमेंट के लिए भी बुलवा सकता है कि डॉक्यूमेंट दो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल जो पावर होती है ना समन की, वो है इसके पास। लेकिन इसके नीचे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि यार इसमें, इन केसेस में, ये दो केसेस में आप उसको बुलवा नहीं सकते। कब, कि आदमी जो है वो लोकल लिमिट जो ज्यूरिसडिक्शन है ना रेवेन्यू ऑफिसर का, जैसे कमिश्नर का है उस डिवीज़न में ज्यूरिसडिक्शन है, अब वो दूसरे डिवीज़न वाले को बुलवा रहा है तो नहीं, लोकल लिमिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में ये आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं बुलवा सकते, ठीक है। लेकिन इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है क्या, कि अगर 50 माइल्स के अंदर अंदर वो आदमी आ रहा है, 50 माइल के अंदर अंदर,
जो आपका ज्यूरिडिक्शन है उसके 50 माइल के अंदर अंदर वो आदमी आ रहा है। ज्यूरिडिक्शन के बाहर की बात करें, ज्यूरिडिक्शन में तो बुलवा ही सकता है वो, लेकिन ज्यूरिडिक्शन के बाहर चला गया तो उसके 50 माइल के अंदर अंदर वो आदमी है तो आप उसको बुलवा सकते हो। चलो ठीक है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेलवे रेलवे कम्युनिकेशन की वो है फैसिलिटी, पब्लिक कन्वीनियंस है कि वहाँ पर बस वगैरह सब ये सब चलती है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस का आप फिफ्थ सिक्स फाइव सिक्स करो, 5/6 करो उस डिस्टेंस का। और अगर वो जो डिस्टेंस है वो 200 माइल के अंदर आ रही है, कम है, 200 माइल के कम है, जैसे कि मान के चलो इंदौर से ग्वालियर की अपन वो 450 किलोमीटर कुछ मान लेते हैं, अब उसका आप फिफ्थ सिक्स्थ करो तो जितना भी आ रहा है अगर वो 200 माइल्स के अंडर है तो आप उसको बुलवा सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं बुलवा सकते उसको, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम रेल जहाँ पर कन्वेंस है, अगर नहीं है तो वो 50 वाला, ये वाला अपने ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को अपनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो आदमी आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता यार, वो आदमी या तो हु इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट और हु कैन नॉट बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन और इज अनेबल टू अटेंड ऑन कोर्ट ऑफ सिकनेस और इन्फॉर्मिटी, ठीक है। तो क्या होगा, वो आ ही नहीं सकता, इन 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 चक्करों में वो आ ही नहीं सकता तो क्या होगा, तो यार वो जो रिवेन्यू ऑफिसर होगा वो कमीशन इशू करेगा उस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, कोर्ट में नहीं बुलवाएगा उसको, वहाँ पर वो कमीशन इशू कर देगा कि अब कमीशन में आपका हम वो करेंगे, जो भी करेंगे वो कमीशन में करेंगे हम। अब बात करते हैं सेक्शन 35 की, हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। क्या मतलब कि यार केस चल रहा है, चल रहा है केस, एक पार्टी को आपने नोटिस दे दिया कि भैया समन दे दिए कि आप आओ, अब वो नहीं आया तो क्या होगा, तो या तो उसकी अब्सेंस में ही केस को सुना जाएगा, और नहीं सुन रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जो पार्टी जो कि एब्सेंट थी ना, ठीक है, वो मे अप्लाई विद इन 30 डेज टू हैव इट सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशियंट कॉज फ्रॉम अपेयरिंग एट द हियरिंग। मतलब कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑर्डर पास हुआ है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कि यार भैया मैं क्यों नहीं आ पाया। और उसको अगर रिवेन्यू ऑफिसर को सही लगा तो रिवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, जो अपोजिट पार्टी है उसको एक नोटिस देगा और उसके बाद इंक्वायरी करेगा अपने हिसाब से, और उसको ऐसा लगे कि हाँ यार सही है तो वो ऑर्डर पास कर देगा, जो ऑर्डर उसने दिया था ना पहले उसको सेट असाइड कर देगा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे तो चलो उसने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर जो भी उसने दिया था, लेकिन मान लो वो जो उसकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा, तो अपील करेगा, जो ऑर्डर होगा ना उसको उसका अपील करेगा वो आदमी, अपीलेट अथॉरिटी पर अपील करेगा, वो देखेंगे हम अपीलेट अथॉरिटी कुछ टाइम बाद। अब सेक्शन 36 बात करता है एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग, अ रेवेन्यू ऑफिसर में एडजर्न द हियरिंग ऑफ अ केस और प्रोसीडिंग बिफोर हिम, ये कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है, प्रोवाइडेड दैट ईच पार्टी मे बी ग्रांटेड नॉट मोर देन 3 एडजर्नमेंट्स ड्यूरिंग द एंटायर हियरिंग ऑफ द केस एंड ईच सच एडजर्नमेंट शुड बी ग्रांटेड ओनली विथ कॉस्ट। हर एक पार्टी को 3 ही एडजर्नमेंट दी जाएंगी, ठीक है, और वो जो एडजर्नमेंट भी दे गया ना कोर्ट वो कॉस्ट कॉस्ट के साथ ही देगा, मतलब खर्चे के साथ ही वो एडजर्नमेंट मिलेगी आपको, और 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकती आपको एडजर्नमेंट किसी भी पार्टी को। ये बात करता सेक्शन 36। सेक्शन 37 बात करता है पावर टू अवार्ड कॉस्ट्स, अ रिवेन्यू ऑफिसर मे अवार्ड कॉस्ट इनकर्ड इन एनी केस और प्रोसीडिंग अराइजिंग अंडर दिस कोड, कॉस्ट अवार्ड कर सकता है किसी भी पार्टी को, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द फीस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये तो, कि लीगल प्रैक्टिशनर की फीस को कॉस्ट की तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा इन एनी सच केस और अनलेस सच ऑफिसर कंसिडर अदरवाइज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय, कि उसको कुछ लगता है कि यार करना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर की जो कॉस्ट है ना उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको उसमें डालना चाहिए कॉस्ट में, तो वो कर सकता है, जो भी उसको लगे रीज़न उसको रिकॉर्ड करके वो कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा
हमारी कथा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।